40% कमीशन का नारा जब चला तो हनुमान चालीसा आ गया। ये 40% कमीशन पे लगता है भारी पड़ेगा क्या? अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर सुनीलम, आप भी वहीं पे हैं बैंगलोर में, बैंगलोर में या बेल्लारी में, कहाँ पे आप जी? अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर सुनीलम। मैं आलंद में हूँ और यहाँ पर मैं जिन गांव के अंदर गया हूँ, अभी 20-25 गांव के अंदर मैं गया हूँ, वहां पर जो दिखलाई पड़ता है वो ये दिखलाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डेस्परेट है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो देखा है वो बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये केवल आलंद के अंदर नहीं है, ये फिनोमिना पूरे के पूरे कर्नाटक के अंदर है। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से चुनाव के उसमें हैं और लगातार देखते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से कि मैं जिन 25 गांव के अंदर गया, सभी जगह पर जो है लोगों ने भाजपा छोड़ी, कांग्रेस के अंदर जुड़े, तो मुझे बहुत एक तरीके को मेरे को आश्चर्य हो रहा था। मुझे लगता है कि जो एक सबसे ज्यादा जो असर है वो यहाँ पर एक गारंटी कार्ड जारी किया है। ये देखिए मेरे हाथ में ये गारंटी कार्ड है, ये गारंटी कार्ड जो है इसमें दस्तखत है सिद्धारमैया के, इसके अंदर दस्तखत है डीके शिव कुमार के, और इसके अंदर जो जो बातें लिखी गई हैं उसके अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री की बात लिखी गई है, 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात लिखी गई है इसके अंदर, और 3000 रुपया जो अनएम्प्लॉयमेंट का, 1500 रुपए जो ये जो लोग हैं डिप्लोमा होल्डर्स उनके लिए, ये सब जो, और 10 किलो का अनाज की बात, ये सब जो कुछ लिखा गया है, मुझे लगता है कि इस गारंटी कार्ड का बहुत जबरदस्त असर है। और ये गारंटी कार्ड हर घर के अंदर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। डेस्परेट कितनी है भारतीय जनता पार्टी, इसका पता चलता है कुलबुर्गी जो जिला है, यहाँ पर कई बार आ चुके हैं नरेंद्र मोदी। मतलब ये है कि अब वो पहले जो लड़ रहे थे राहुल गांधी से लड़ रहे थे, वो लड़ते लड़ते अब जो है खड़गे जो है लड़ रहे हैं, और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि उनका बेटा, खड़गे के जो बेटा है, उसके खिलाफ में उन्होंने एक यहाँ पर उसको राइस स्मगलर के तौर पर जानते हैं, जो कि पूरा का पूरा जो राइस जो चावल है उसका को वो ब्लैक में बेचने का काम करता है, तड़ीपार व्यक्ति है, उसको लड़ाने का काम जो है किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो उन्होंने लड़ाया है वो यहाँ पर दारू का ठेकेदार है अलंग के अंदर, वहां पर लड़ाने का काम किया है। तो और जो रोड शो था, रोड शो के अंदर अगर अगर ऐसी स्थिति आ गई नरेंद्र मोदी की कि वो जो है वो बजरंग बली को लेकर के घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके की डेस्परेशन की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। तो वो जो पूरा का पूरा जो रोड शो था वो तो ठीक है, अब उन्हें एक दिन की जगह पर 2 दिन करने पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 40% वाला जो इशू था वो पूरी तरीके से इनके ऊपर चिपक गया है। और यहाँ पर इशू ये भी है, जो एक हर जहां पर भी हम जाते हैं वहां पर सिलेंडर वाली बात जरूर हो रही है। और एक बात ये भी है, मैंने देखा है कि यहाँ खड़गे जी का जो है वो एक, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा थी और हम जहां पर भी गए हमने वहां पर देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े और वो एक तरीके का उनका समर्थन करते हुए दिखलाई पड़े। और जब हमने कहा कि ये समर्थन केवल इसलिए है क्या क्योंकि खड़गे साहब हैं दलित कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये तो दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी समर्थन करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर माहौल इस तरीके का है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे अभी आपको मालूम है बजरंग बली वाला जो पूरा मसला हुआ, ये मुझे लगता है कि ये एक तरीके का सेल्फ गोल करने वाला मसला था, इससे एक नुकसान की बात भी है। और जगदीश शेट्टियार जो अभी आए हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई ये मामला पार्टी ने भले जरूर लिखा हो लेकिन मैं इसके ऊपर बातचीत करने का काम मैं करूंगा। और अब ये भी जो है कि ये कहीं पर भी अब ये रिपीट करने का काम नहीं हो रहा है, अब कहीं पर भी कांग्रेस जो है वो इस इशू को रिपीट करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये बात समझ में आ गई है कांग्रेस को कि एक तरीके का नुकसान इस बात से उनको हुआ है। तो ये पूरी एक परिस्थिति दिखलाई पड़ रही है, तो क्लियर कट एज दिखलाई पड़ती है इस पूरे चुनाव में। लेकिन मेरे को एक बहुत आश्चर्य की बात है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे आलंद है, अब यहाँ पर जनता दल सेकुलर जो है वो चुनाव लड़ रहा है। अब यहाँ पर जो है जो जो सीट कांग्रेस ने केवल 550 उससे हारी थी, उस सीट के ऊपर अगर ऐसी स्थिति हो कि जनता दल सेकुलर लड़ रहा है, 2 बार कुमार स्वामी आ चुके हैं यहाँ पर, 1 बार देवेगौड़ा जी यहाँ पर आ चुके हैं, एक जो ऐसी महिला लड़ रही है कि जिन्हें कोई जानता नहीं है, सीपीआई यहाँ पर लड़ रही है,
मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी एक इस तरीके की बात है जो कि थोड़ा चिंता में डालने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है अगर 550 की लीड वाली अगर सीट है, उसके पहले भी जो है यहाँ पर 700 के डिफरेंस से ये सीट हारी जा चुकी है, उसके बाद भी अगर यहाँ पर ये काम हो रहा है तो ये एक तरीके का कंफ्यूजन लोगों में पैदा करता है। लेकिन क्लियर कट एज जो है इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की दिखलाई पड़ रही है ग्राउंड के ऊपर, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। पिछले 2 दिन से जो मैंने 25 गांव घूमे हैं उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ जी।